स्वामी झांसी में उपस्थित हूँ और आप बताएं आपको कचरे का हम ढेर दिखाना चाहते हैं यहाँ से वहाँ तक। यहाँ सुबह से देश के प्रधानमंत्री बीच पर जाकर कचरा बीनने का काम करते हैं और सफाई का संदेश देते हैं। वहीं झांसी में जो यहाँ के सांसद हैं अनुराग शर्मा और यहाँ के जो विधायक हैं रवि शर्मा, लगातार दूसरी बार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वच्छता का जो संदेश है देश के प्रधानमंत्री को देते हुए छठवीं साल आरंभ हो गई है, लेकिन सफाई का अंजाम आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता है। बगल में मंदिर है, पानी पीने की व्यवस्था है, लेकिन गंदगी आप देख सकते हैं इस तरह की गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। सांसद जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि सफाई करा सकें, विधायक जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि सफाई करा सकें, नगर निगम के कर्मचारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि सफाई करा सकें। हम जितनी बार भी झांसी आते हैं झांसी में इसी प्रकार का माहौल देखने को मिलता है। अनुराग शर्मा केवल रक्त समाई के लिए झाड़ू उठाते हैं, अरे भाई थोड़ी सफाई भी करके आप दिखा दीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री कचरा उठा सकते हैं तो झांसी का सांसद क्यों नहीं कचरा उठा सकता है? झांसी का विधायक यहाँ पर कचरा क्यों नहीं उठा सकता है? नगर निगम का अधिकारी यहाँ के जो अध्यक्ष है वो कचरा क्यों नहीं उठा सकते? यह हालत है झांसी की। और बात करते हैं सफाई की, संदेश देते हैं सफाई का, इन्होंने सफाई संदेश यात्रा निकाली थी, आदमी भी नहीं जुड़े, कार्यकर्ता भी नहीं जुड़े। उसके बाद यह नजारा है इनकी झांसी का, ललितपुर में निकालने गए थे, मारवानीपुर में निकालने गए थे, झांसी में क्या हुआ? झांसी में आप सफाई तक नहीं दे पा रहे आप जनता के लोगों के लिए। और आप बात करते हैं सफाई की, सांसद जी महोदय विधायक जी और अध्यक्ष जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग सफाई से आके यहीं पर सफाई कराइए। जब कुछ लगेगा देश के प्रधानमंत्री जो बीच पर गंदगी उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर भी अपने सांसदों के लिए आप समझाइए, अपने विधायकों के लिए आप समझाइए कि सफाई ये भी है। शहर में आदमी रहने के लिए मुश्किल है, यहाँ मंदिर है सामने, मंदिर है सामने, मंदिर है सामने, और मंदिर के सामने कचरा डाला हुआ है। हम केवल यहाँ की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सांसद विधायक और यहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि अपनी झांसी को साफ स्वच्छ रखिए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कराने के लिए आप काम न करिए और दिखावा तो बिल्कुल भी न करिए। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, स्वच्छ रहें, उनका पालन करें। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय मैं हूँ झांसी में और यहाँ पर जो बड़ा गेट पड़ता है और यहाँ पर गंदगी का बड़ा आलम है। पहले भी एक दूसरे पर हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई थी। चलिए स्थानीय जो लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं, उन लोगों का क्या आरोप है, क्या कहना है, वो कितना पुराना है यहाँ पर कूड़ा घर बनाया, उन्होंने कई बार कार्रवाई की लाइन है, प्रार्थना पत्र भी दिया आला अधिकारी। चलिए बात करते हैं, क्या है माननीय श्रीमान जी, हमारा कहना यह है कि जब प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री जी एक अभियान कर रहे हैं, उसके बाद योगी जी सब चीज अभियान कर रहा है, पर यहाँ के नगर आयुक्त जो इस तरह के हैं वो उनको जो होश नहीं रहता कि जो कूड़ा घर सड़क देखो कितने फुट की है, मात्र सड़क फिर 10 फुट की होता है, वो बना है वादी बनी है, यहाँ पे कूड़ा लगा है, जो प्लॉट खाली हो गया, जो कूड़ा घर बन गया। और नगर निगम ये कहती है कि भैया नगर कोई प्लॉट डालेगा उसकी कार्रवाई की जाएगी, क्या उसको कूड़ा घर। अब ये जरा से पहले जो कूड़ा घर था वो कूड़ा घर आपका मात्र इतना बड़ा कूड़ा घर था, अब ये तवा कूड़ा घर हो गया। आपने शिकायत की है 10 क्षेत्र से, वो वहाँ पे शिकायत कर चुकी है, उसमें मुख्यमंत्री जी शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद भी क्या कार्रवाई, मेरे पास फोन आया कि आप संतुष्ट है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कोई अधिकारी मेरे पास भी नहीं आया कि भैया क्या संतुष्ट, क्या परेशानी है, उस वहाँ से फीडबैक लग जाता है कि भैया हो गया 76 भी इसी प्रकार से दिखावा। हाँ 10 76 भी जो वहाँ से फीडबैक आता है कि आप क्या संतुष्ट है, मैं कोई संतुष्ट नहीं है, पूछने आया कोई, क्या कोई पूछने नहीं आया, सीधा दिखावा हो रहा है, पूरा दिखावा हो रहा है, पूरा कोई दिखावा हो रहा है, कोई कंप्लेट नगर आयुक्त में बस यहाँ सफाई करा जाएगा, बस चला जाएगा, कुछ ये नहीं कहेगा कि भैया कंचन साहब आपने कंप्लेट की थी, क्या परेशानी बताइए, तब उनको बताइए प्लॉट पर देखो ये का है, अब यहाँ कौन रहेगा बताओ, ये आदमी रह रहे यहाँ पे देखो प्लॉट की। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो गंदगी का आलम है, कहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा डेंगू की मरीज पाए जा रहे हैं इस समय और सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हो रही है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की जो सफाई व्यवस्था है आपके अंडर में, यहाँ पर सांसद जी भी रहते हैं, विधायक जी भी रहते हैं, थोड़ा इस व्यवस्था को देखें। जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए नगर एक और आप कहना चाहते इस बात के लिए, मैं माननीय जिलाधिकारी से महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, शहर में कभी आज तक ये जानवर खड़े हैं, कभी आज तक कोई अभियान नहीं चलाया गया, और शहर में तो ये कभी होते ना, दिखते नहीं आती है शहर में है कि नहीं है। योगी जी तो बहुत पैसा भेज रहे हैं, तो पैसा भेज रहे उससे क्या होता, नगर यहाँ पे कोई एक अधिकारी नहीं आता कभी आज तक, कोई शहर के अंदर अधिकारी दिखा, कोई अधिकारी का कोई फोटो किसी प्रयत्न के दिखाई कि शहर के अंदर अति हटा रहा है, जानवर पर बंद हो रहा है, बस इलाइट चौरा से इलाइट के अलावा कोई है नहीं है सिटी के अंदर, भाई सिटी के अंदर और भी तो है चौरा है, कैसे कही है कोई शहर में आदमी रहते क्या।
से पोस्ट कॉलोनी के लिए बता सब प्रशासन है। मैं संजीव कंचन बोल रहा हूँ। कंचन जी कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाले, थोड़ा सा मैं यहीं का रहने वाला। जब जी हमारा घर जाएगा मोहल्ला में, जिस गणेश मड़िया में रहते हैं जी, गंदगी डली रहती है चौराहे पे और सामने भी एक जो प्लॉट है उसमें भी गंदगी पड़ने लगी। कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अरे बहुत परेशानी होती है, हम लोग बरसात में तो बैठ भी नहीं पाते, इतनी बदबू आती है। कूड़ा भी अभी तो कुछ भी नहीं है, सवेरे 11 बजे तक देखें आप तो अंबार लगा होगा कूड़े का, यहाँ पे तो ढेर का ढेर बना दिया पूरा। तो कार्रवाई नहीं करता है क्या प्रशासन? अरे सब कुछ कह लिया सब कुछ, उन्होंने कहा हट गया कूड़ा घर डिब्बा और हटा दिया, उन्होंने कहा हट गया कूड़ा घर डिब्बा, अकेले हटाने से कूड़ा घर थोड़ी होता है। सवेरे गाड़ी आएगी जाम लग जाएगा, लंबे लंबे जाम लग जाएंगे, गाय भैंस है जे है सो जे लोग परेशान करते रहते हैं। 9 फुट की रास्ता है, जरासी फुट कचरा भी डलता है, मंदिर भी है, सब कुछ लगा रखा है वहाँ पे, कोई मतलब प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है। नेता क्या कर रहे हैं आगे और क्या पता क्या कर रहे हैं? अनुराग शर्मा है, विधायक रवि शर्मा आते ही नहीं है कोई इधर, यहाँ पर बीजेपी की नगर निगम में भी आते, यहाँ कोई आते ही नहीं है इस एरिया में, तो कोई आता ही नहीं इस एरिया में। तो झाड़ू की बात करते हैं दिखाओ, हाँ कोई मतलब आता ही नहीं है आज तक। पार्षद आए निकाली जागरूकता के लिए झाड़ू लेकर, पता नहीं कहाँ निकाली होगी, यहाँ तो कोई नहीं निकाली, निकाली। यहाँ आज तक कोई नहीं। नाम क्या है? शकुंतला अग्रवाल। शकुंतला अग्रवाल।